हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका चैप्टर 5, क्योंकि 63 से 99 कुछ सेक्शन कवर होते हैं और कुछ ये वुमेन और चाइल्ड के खिलाफ होने वाले ऑफेंसेस से जुड़ा है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और प्रीलिमिनेंस दोनों के लिए ही ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 को। तो आज हम जो करेंगे वो सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड करेंगे और ये होंगे 63 से लेके 73 तक, ठीक है। तो ये पार्ट हम आज कवर कर लेंगे। तो देखिए, 63 जो सेक्शन है वो मेनली रेप की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। इसमें कोई भी सज़ा वगैरह आपको नहीं दी गई है। जो पनिशमेंट है वो 64 से स्टार्ट होती है। केवल 63 में रेप को डिफाइंड किया गया है। ए मैन इज़ सेड टू कमिट रेप इफ़ ही, ठीक है। तो ये ए बी सी डी आपके इसमें बताई गई हैं डेफिनेशन के अंदर। तो ए में है कि जो मैन का प्राइवेट पार्ट है वो वुमेन में अगर इंसर्ट किया जाता है किसी भी एक्सटेंट तक, तो वहाँ पे रेप माना जाएगा। बी में है इंसर्ट करना किसी भी एक्सटेंट तक बॉडी का कोई भी पार्ट उस वुमेन में, या वो आदमी किसी दूसरे आदमी से ये करवाए, ठीक है। तो और एनी अदर पर्सन भी यहाँ पे आ सकता है। सी मैनुपलेट करता है कोई पार्ट अपनी बॉडी का वुमेन के अंदर वो, और डी अप्लाई हिज माउथ टू द प्राइवेट पार्ट ऑफ द वुमेन और मेक्स हर टू डू सो किसी दूसरे पर्सन के साथ। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब मेन चीज़ें आती हैं 7 डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको रेप का अगर डिफ़ाइन करने के लिए कहा जाता है कि सर्कमस्टेंसेस में होता है, तो आपको यहाँ पे करना है डिफ़ाइन 7 चीज़ों में। फर्स्ट होता है उसकी इच्छा के अगेंस्ट, अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, ठीक है, कंसेंट के बिना, कंसेंट उसकी ली नहीं गई। थर्ड में है कंसेंट तो ली है लेकिन उसको डर दिया गया है उसकी डेथ का या कोई और हर्ट का, ठीक है। फोर्थ है उसकी कंसेंट से, लेकिन उसने कंसेंट तब दी जब उसे लगा कि वो जो पर्सन है वो उसका हस्बैंड है, यानी कि जिससे वो लॉफुली मैरिड है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो व्हेन द मैन नोज, अब आदमी को तो पता है भाई मैं इसका जो है हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन उसने उसको बिलीव करवा दिया कि भाई मैं तेरा हस्बैंड हूँ और इसीलिए उसने कंसेंट दी। फोर्थ में आ गया ये। फिफ्थ में देखिएगा, विद हर कंसेंट, कंसेंट के साथ ही, एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट, यानी कि जब उसने कंसेंट दी थी, या तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था उसके अंदर, या इंटॉक्सिकेटेड थी वो, या उसको कुछ ऐसा सब्सटेंस दिया गया था जिससे उसे पता ही नहीं था उस जो ऑफेंस है उसका, अंडरस्टैंड द नेचर और उसके कंसिक्वेंस उसे पता ही नहीं हूँ। तो ये तीनों चीज़ें, ड्रग्स वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं जिसमें उसने कंसेंट दी है। सिक्स्थ में है 18 साल से कम। अब ध्यान रखना, 18 साल से कम चाहे कंसेंट हो चाहे ना, यानी कि अगर कंसेंट के साथ भी आप अगर 18 साल से कम की युवती के साथ अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या होगा, रेप माना जाएगा। सेवन्थ में है व्हेन शी इज़ अनेबल टू कॉम्युनिकेट। अब वो कॉम्युनिकेट ही नहीं कर सकती अपनी कंसेंट, हो सकता है वो बोल नहीं सकती या कोई भी और रीज़न हो सकता है इसमें, इसीलिए अनेबल टू कॉम्युनिकेट कंसेंट, वो कॉम्युनिकेट ही नहीं कर सकती है। तो वो ये 7 चीज़ें आ जाएंगी। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है वेजाइना शैल ऑल्सो इंक्लूड दिस, एंड एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कंसेंट मीन्स एन अनइक्वी वोकल वॉलेंट्री। अब देखो, कंसेंट को डिफाइन कर दिया उसका वॉलेंट्री, ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी से बनाया हुआ समझौता, ये हो सकता है बोलकर या जेस्चर से भी हो सकता है, और कम्युनिकेट करना वर्बली या नॉन वर्बली, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेट करना उसकी इच्छा से, तो ये सब कुछ आ जाएगा। अब प्रोवाइजो कहता है ए वुमेन हु डज नॉट फिजिकली, यानी कि अब अगर वो रेजिस्ट नहीं करती है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी में वो रेजिस्ट नहीं करती है, तो ये मत मान लेना कि वहाँ पे उसने अपनी कंसेंट दे दी है। एक्सेप्शन 1 कहती है मेडिकल प्रोसीजर होगा वो रेप नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन 2 कहता है कि 18 साल से कम की से अगर सेक्सुअल ऑफेंस
पति के द्वारा हो रहा है जहाँ उसकी सहमति नहीं है तो वो रेप होगा। यहाँ पे नेगेटिव में ये लिखा हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। 18 साल से ऊपर है उसको तो माना ही नहीं है रेप, लेकिन अगर 18 साल से कम है और वो करता है तो वहाँ पे भी क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो लीगली नहीं होती है वैलिड। लीगल तो हो जाती है लेकिन आपको पता है कि 18 साल से ऊपर की ही एज होनी चाहिए शादी की, हालांकि वो लीगल माना जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन ये आप हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ते हैं, वो ऐसी चीज़ है कि वैलिड तो है ठीक है लेकिन वो पनिशेबल होती है, तो इसीलिए यहाँ पे 18 साल दोनों में लिख दी। आप सिक्स्थ में जो पढ़ते हैं सरकमस्टेंस, वहाँ पे भी 18 साल से नीचे कर दिया कि विद और विदाउट कंसेंट, और वाइफ के केस में भी यही कर दिया है। उसके बाद देखिए पनिशमेंट फॉर रेप में लिखा हुआ है सेक्शन 64, ठीक है। सेक्शन 64 बताता है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट मैं आपको बता देती हूँ, इनके आप जो डेफिनेशन है सेक्शंस की उसके आगे ही आप पनिशमेंट लिख लेना। 10 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक जा सकती है सेकंड पॉइंट को छोड़ के। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो भी रेप की जो भी पनिशमेंट होगी उसमें 10 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट जा सकती है और फाइन भी लगेगा, एंड लिखा है तो यानी कि फाइन भी है। और उसके बाद सेकंड क्यों छोड़ा है, क्योंकि उसमें सज़ा ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक तो है लेकिन वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट क्या होगी, रिमेनिंग लाइफ जो उसकी बची हुई ज़िंदगी है उसका मतलब वहाँ पे ये होगा। नहीं तो अगर सिंपल अगर लिखा है ना लाइफ इम्प्रीजनमेंट तो उसका 20 ईयर्स होगा जो हम पढ़ के आए हैं डेफिनेशन में, ठीक है। तो सेकंड वाले में क्यों ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अथॉरिटी में पर्सन हैं वो ऐसा करते हैं। कौन कौन है देखो, ए में है पुलिस ऑफिसर, अपनी लिमिट में अपने पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में अगर वो अपॉइंट हुआ है वहाँ करता है, या किसी स्टेशन हाउस की प्रीमाइसिस में किसी लेडी पे, थर्ड पॉइंट है ऑन अ वुमेन इन सच जो उसकी कस्टडी में थी, ठीक है वहाँ पे। बी है पब्लिक सर्वेंट, करता है रेप ऑन अ वुमेन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ दैट पब्लिक सर्वेंट जो उससे छोटा है, सबऑर्डिनेट टू सच पब्लिक सर्वेंट। सी में है बीइंग ए मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस का कोई बंदा है। डी में है मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ अ जेल, रिमांड होम या प्लेस ऑफ कस्टडी जो इस्टेब्लिश की गई है वुमेन्स के लिए, ठीक है, कोई चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ई में है हॉस्पिटल में। एफ में है कोई रिलेटिव, गार्जियन और टीचर जो ट्रस्ट की पोजीशन में है, फिड्यूशरी रिलेशन है उनका वहाँ पे, और या किसी कॉम्युनल कोई वॉयलेंस थी तब कमिट हुआ है रेप। और एच में है कमिट्स रेप ऑन अ वुमेन नोइंग कि वो प्रेग्नेंट है, पता है आपको तब। आई में है इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। जे में है बीइंग इन ए पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर वुमेन, ठीक है। और के में है सफरिंग, वो वुमेन जो है सफ़र कर रही थी मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी में। एल में है जब आपने ऐसे कमिट किया तो ग्रीवियस हर्ट हुआ वहाँ पे तब, और रिपीटेडली सेम वुमेन पे जब होता है तब, तो वहाँ पे क्या कर दिया, पनिशमेंट जो है ज़्यादा कर दी, लाइफ इम्प्रीजनमेंट। ये ध्यान रखना रिगरस इम्प्रीजनमेंट वर्ड यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट है, लेकिन लाइफ इम्प्रीजनमेंट में यहाँ मतलब होगा रिमेंडर जो पर्सन की बची हुई ज़िंदगी है वो सारी जेल में कटेगी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में कुछ चार एक्सप्लेन किए हुए हैं। आर्म्ड फोर्सेस क्या होगा, नेवल आर्मी एयर फोर्सेस किसी का भी हो सकता है, एंड इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, कंस्टिट्यूट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूडिंग पैरा मिलिट्री फोर्सेस, सब फोर्सेस को इसमें मतलब ले लिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो या स्टेट गवर्नमेंट। हॉस्पिटल लिया है, हॉस्पिटल में कौन सा इंस्टीट्यूशन, रिसेप्शन ट्रीटमेंट जहाँ पे पर्सन का हो रहा है वहाँ पे। पुलिस ऑफिसर फिर ले लिया है, पुलिस एक्ट में जो मतलब है पुलिस का वही। डी में है वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन का मतलब है कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऑर्फनेज हो या होम हो फॉर नेग्लेक्टेड वुमेन का, चिल्ड्रन या विडो का होम हो, इंस्टीट्यूशन हो, जिस भी नाम से वो बताया जाए वहाँ पे, ठीक है। ये प्रीवियस 376 के 1-2 में था ये बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद देखो
65. अब यहाँ पे है ना तकरीबन जो इसमें है डिफाइन करके और उसके बाद 63 में डिफाइन करके उसके बाद ना मेनली पनिशमेंट ही है. अब 65 में जब आप देखते हो ना तो यहाँ पे पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस कैसे लिया है, 16 साल से कम की वुमेन और 12 साल से कम. अब क्या डिफरेंस कर दिया, देखो जो 16 ईयर्स से कम की एज की वुमेन होगी वहाँ पे 20 साल की आपको सज़ा मिलेगी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये रिमाइंडर लाइफ जो नेचुरल लाइफ जेल में जाएगी वो वाली है, ठीक है. और अब 12 साल हो गई और छोटी बच्ची, तो वहाँ पे क्या कर दिया कि डेथ को भी इंक्लूड कर दिया, भाई आपको डेथ भी मिल सकती है वहाँ पे. तो यहाँ पे भी वही है, 20 साल से जाकर ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, वही रिमाइंडर लाइफ वाली, और डेथ भी और फाइन भी होगा या फिर डेथ भी आपको पनिशमेंट के तौर पे मिल सकती है. दोनों में प्रोवाइजो है, देखो जो सच फाइन होगा, जो लिखा है ना एंड विद फाइन, यानी फाइन तो दिया जाएगा ही, तो शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम. दोनों में यही बात है. और प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सब सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम. उसके बाद है सेक्शन नंबर 66, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम. अब क्या था, जिसने भी 64 के 1-2 में ऐसा कुछ ऑफेंस कमिट किया और इस कमीशन से क्या हुआ, उसको ऐसी इंजरी होगी, या तो वो औरत मर गई या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कि कोमा में टाइप चली गई, ठीक है. तो वहाँ पे क्या होगा, 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ भी आपको दी जा सकती है. तो 66 बिल्कुल अलग कर दिया, जहाँ पे रिजल्ट क्या होता है, वुमेन की डेथ हो जाती है या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट हो जाती है. शोनबाग का जैसे केस ले लीजिए, उसमें वही तो थी, तो ये आप ऐसे थोड़ा सा अमेंड कर दिया है इसको, पहले ये 376 ए में था. सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन. अब वाइफ तो है लेकिन वो अलग रहते हैं, या फिर और अलग क्यों रहते हैं, सेपरेशन की डिग्री मिली हुई है और उसकी कंसेंट के बिना अगर आप ऐसे करते हो तो 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, ठीक है. इन दिस सेक्शन सेक्शुअल इंटरकोर्स वही 63 में जो ए से डी तक मेंशन बताया है ऊपर वही होगा. उसके बाद है सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी 68. अब क्या है, देखो हु एवर बींग इज इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी या फिड्यूशरी रिलेशनशिप, फिड्यूशरी होता है ट्रस्ट वाला जो रिलेशन है वो, बी में है पब्लिक सर्वेंट, सी में है सुपरिटेंडेंट या जेल का कोई मैनेजर, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर और वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन या फिर हॉस्पिटल का कोई मैनेजमेंट है, वो अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो ट्रस्ट में है, अब वो ट्रस्ट में ही तो आप जाते हो ना उनके पास, पब्लिक सर्वेंट के पास हॉस्पिटल में, और वो ऐसा काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, 5 से लेके 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है. इन दिस सेक्शन वही 63 से ए से डी मतलब होगा. और फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1-2 सेक्शन 63 शैल ऑल्सो बी एप्लीकेबल. एक्सप्लेनेशन 3 में सुपरिटेंडेंट है जो जेल का, रिमांड होम का या प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन जो भी है, जो होल्ड कर रहा है पोजीशन वो हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन 4 में हॉस्पिटल और वुमेन चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन का 64 में जो हम पहले पढ़ के आए ना वही सेम मीनिंग रहेगा. उसके बाद है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा 10 साल की सज़ा, यानी कि धोखे से या आप शादी का वादा करके कोई ऐसा काम करते हो और आपको पता है आपने वो फुलफिल नहीं करना, और फिर आपका अगर ये रिलेशनशिप बनता है उस लेडी से तो वहाँ पे क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी आपको 10 साल तक की सज़ा. ये अलग ही निकाल दी अब 69, क्योंकि ये पहले तो था ही नहीं आईपीसी में. और डिसीटफुल मीन क्या होगा, इंड्यूसमेंट हो सकता है, कोई प्रलोभन देना या फाल्स प्रॉमिस करना कि ऐसे ऐसे नौकरी दिलवा देंगे या फिर मैं शादी कर लूँगा या प्रमोशन हो जाएगा, तो इस तरह से. उसके बाद है सेक्शन 70 गैंग रेप, वेयर अ वुमेन इज रेप्ड बाय वन या उससे ज़्यादा पर्सन, एक ग्रुप कंस्टिट्यूट करता है एक कॉमन इंटेंशन के तहत, हर पर्सन को जिसने भी ऐसा किया है 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है उसकी
जो नेचुरल लाइफ है वो फिर जेल में जाएगी। तो ये बोला है 70 में। प्रोवाइजो इसमें सेम वही है। फाइन जो है उसमें क्या इंक्लूड होगा, एंड विद फाइन है, फाइन तो होगा ही फिर। और सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन सब सेक्शन शैल बी पे टू द विक्टिम। 376D में था ये, अब 70 में आ गया। और देखो सेकंड जो है इसका उसमें क्या बोलते हैं, देखो कि 18 साल से अगर कम है ना वुमेन तो फिर वहाँ पे उनकी सज़ा डेथ तक भी जा सकती है। सेम रहेगा ऊपर कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप। तो वहाँ पे सज़ा को क्या कर दिया है, डेथ तक भी ले जा सकते हैं। और प्रोवाइजो दोनों रिपीट नहीं करूँगी, ऊपर वाले ही सेम रहेंगे। उसके बाद है 71, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। अब रिपीट वाले ऑफेंडर जो हैं दोबारा दोबारा कर रहे हैं, यानी कि एक बार उनको कन्विक्ट कर दिया गया है 64, 65, 66, 70 में, और सब्सिक्वेंटली आप कन्विक्ट होते हो इन्हीं सेक्शन में तो लाइफ इम्प्रीजनमेंट हो सकती है और डेथ तक भी आपको दी जा सकती है। उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एटसेट्रा। अब सेक्शन 72 क्या कह रहा है कि कोई भी प्रिंट या पब्लिश करता है नाम किसका, विक्टिम का, किस में, 65, 66, 64, 67, 68, 69, 70, 71 में, तो उसको 2 साल तक की सज़ा हो जाती है जो विक्टिम का नाम पब्लिश कर देगा, और फाइन भी भरना पड़ेगा। नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 एक्सटेंड्स टू, अब एक्सेप्शन कह लो सेकंड वाली, कि अगर आपने परमिशन ले ली है ना, सेकंड में यही है मेन बात कि आपने परमिशन ले ली है तो आपको ऐसी सज़ा नहीं होगी। कहाँ कहाँ होगी, देखो ए है बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द, आपने पुलिस इंचार्ज जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी इन आपने परमिशन ले ली, या फिर जो विक्टिम है आपने उससे परमिशन ले ली। सी में है जहाँ पे विक्टिम मर गई है, या बच्चा है या अनसाउंड माइंड है, और उसके नेक्स्ट ऑफ किन जो है विक्टिम का उससे आपने ऑथराइजेशन ले ली है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ द किन टू एनीबडी। ऐसे ही नहीं किसी को भी दे दो, केवल चेयरमैन और सेक्रेटरी को आप दे सकते हो, किसका, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का। एक्सप्लेनेशन कहती है रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो ये सेक्शन 228 जो अलग से था वो अब यहाँ पे ही सब कुछ कर दिया है इसी में। उसके बाद है सेक्शन 73, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। अब आपने कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग थी बिना परमिशन के उसको छाप दिया, तब भी 2 साल की सज़ा मिलेगी और फाइन भी भरना पड़ेगा। हुएवर प्रिंट्स और पब्लिशेस एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट, ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू ऑफेंस रेफर्ड जो 72 में बताए हैं ना सारे उनमें, और आपने कोर्ट की परमिशन भी नहीं ली तो आपको 2 साल तक की सज़ा मिलेगी। एक्सेप्शन है जो एक्सप्लेनेशन कहती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आप जो है जजमेंट उसको छाप सकते हो, वो वहाँ पे ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन भी हो सकती है, इसके आगे लिख लेना एक्सप्लेनेशन के आगे, एक्सेप्शन ही है ये 73 की। तो यहाँ पे आपका जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड 73 तक ख़त्म हो जाते हैं, और अगली वीडियो में हम आगे 74 से स्टार्ट करेंगे, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन में। तो टिल सेक्शन 1 से लेके 73 हमने अपने BNS वीडियोस में कर दिया है। अगर आपको 1 से लेके 73 तक देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट BNS में जाकर, भारतीय न्याय संहिता में जाकर आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।